तो आप सभी को यहाँ पे केपी जे स्टार की तरफ से जैन। तो आज की बात करने पर यहाँ पे एसएससी जीडी भारतीय 2024 के बारे में, कितनी चाहिए उम्र यानी कि जो आपकी एज है वो यहाँ पे कितनी चाहिए, लंबाई यानी कि जो आपकी हाइट है वो यहाँ पे कितनी चाहिए, पढ़ाई यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे कितनी चाहिए, दौड़ यानी कि जो आपकी रनिंग है वो यहाँ पे कितनी चाहिए। तो आज आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर दूंगा कि एसएससी जीडी भर्ती 2024 में जो आपकी उम्र है वो यहाँ पे कितनी चाहिए, लंबाई कितनी चाहिए, पढ़ाई कितनी चाहिए और जो आपकी दौड़ है वो यहाँ पे कितनी होती है। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेके पूरी एंड तक यहाँ पे जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपकी उम्र यानी कि जो आपकी एज है उसके बारे में यहाँ पे बात कर लूं तो आपको बता दूं यहाँ पे जो आपकी एज है यानी कि जो आपकी उम्र है वो 18 से लेके 23 वर्ष तक यहाँ पे रहती है। 18 से लेके 23 वर्ष तक जो आपकी एज है जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे रखी जाती है। अगर आपकी कैटेगरी एससी या एसटी है तो आपको एज में 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो आपको एज में यहाँ पे 3 साल छूट मिलेगी। तो आगे भी आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दूंगा, उससे पहले एक जरूरी जानकारी आप सबके लिए, आप सबको बता दूं अगर आप एसएससी जीडी के रिटर्न एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो एसएससी जीडी के रिटर्न एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो पे आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के हमारे पास 70 पीडीएफ है यानी कि 70 पीडीएफ है जिनमें आपको 8000 प्लस क्वेश्चन विद आंसर मिलेंगे, जिसका आपको बता दो जिसका प्राइस हमने सिर्फ 320 यानी कि 320 रुपए हमने प्राइस रखा है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि 70% जो क्वेश्चन है यानी कि 70% जो क्वेश्चन है एसएससी जीडी के एग्जाम में आपको हमारे पीडीएफ में से आएंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं, जिसका प्राइस हमने सिर्फ यहां पे 320 रुपए रखा है। 70 पीडीएफ है, 8000 प्लस क्वेश्चन विद आंसर रहेंगे। और अगर आपको ये पीडीएफ लेने हैं नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8492093018, अगर आपको पीडीएफ लेने हैं इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। सबसे पहले आपको 320 रुपया पेमेंट करनी पड़ेगी, जैसे पेमेंट करोगे हम उसी टाइम जो पीडीएफ है वो आपको आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। तो आप सबको बता दूं कि आपकी जो हाइट है यानी कि जो आपकी लंबाई है वो यहाँ पे कितनी चाहिए एसएससी जीडी भर्ती में। तो देखिए लड़कों के लिए पूरे भारत में जो लंबाई है यानी कि जो हाइट है 170 सेंटीमीटर ली जाती है, लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर ली जाती है। अब बात कर लो भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें यहाँ पे जो आपकी हाइट है इसमें यहाँ पे छूट दी जाती है, जैसे कि ग्वालियर, कुमाऊं, डोगरा, मराठास, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अगर आप भारत के इन राज्यों में से हैं तो लड़कों की जो हाइट है इन राज्यों में 165 सेंटीमीटर ली जाती है यानी कि 165 सेंटीमीटर ली जाती है। अगर कोई लड़की इन राज्यों में से है तो उसकी जो हाइट है 155 सेंटीमीटर ली जाती है यानी कि 155 सेंटीमीटर यहाँ पे ली जाती है। वही आगे की तरफ लेके चलो, अगर आप यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अगर आप भारत के इन राज्यों में से हैं तो आपकी जो हाइट है लड़कों के लिए 162.5 सेंटीमीटर यहाँ पे ली जाएगी, लड़कियों के लिए 152.5 सेंटीमीटर यहां पे ली जाएगी। वही आगे की तरफ आपको लेके चलो तो आप सबको बता दूं यहां पे इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी यानी कि जो आपकी पढ़ाई है वो यहां पे सिंपल 10th पास रहेगी। अगर आप सिंपल 10th पास हैं तो आप फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि काफी सारे लड़के और काफी सारी लड़कियां बोलती हैं कि सर हमारी परसेंटेज बहुत कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके 33% मार्क्स भी होंगे तब भी आप एसएससी जीडी में अपना जो फॉर्म है वो यहां पे लगा सकते, ठीक है। अगर आपके 33% मार्क्स भी हैं तो आप तब भी यहां पे एसएससी जीडी में अपना जो फॉर्म है वो यहां पे लगा सकते हैं, इसमें कोई भी परसेंटेज यहां पे मैटर नहीं करती, ओनली यहां पे 10th पास जो आपकी है वो यहां पे मांगी जाती है। अब आपकी दौड़ की यानी कि आपकी रनिंग की बात कर लो, इसमें 5 किलोमीटर आपकी दौड़ करवाई जाती है जिसमें आपको 24 मिनट का यहां पे टाइम मिलता है। लड़कियों के लिए यहां पे 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर दौड़ करवाई जाती है और लड़कियों को यहां पे 8 मिनट और 30 सेकंड का जो टाइम है वो यहां पे दिया जाता है। अब बात कर लो चेस्ट की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लड़कों के लिए जो चेस्ट है यानी कि जो छाती है वो यहां पे कितनी ली जाती है, जैसे कि ग्वालियर, कुमाऊं, डोगरा हो गया, डोगरास हो गए, ठीक है, मराठास हो गए, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अगर आप भारत के इन राज्यों में से हैं तो आपकी जो चेस्ट है यानी कि जो आपकी छाती है वो यहाँ पे 78 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगी जाएगी, 5 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पे फुलाम मारना पड़ेगा। वही बात कर लूँ अगर आप यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम से है तो आपकी जो चेस्ट है वो यहाँ पे 77 यानी कि 77 सेंटीमीटर मांगी जाएगी और 5 सेंटीमीटर का आपको जो फुलाब है वो यहाँ पे मारना पड़ेगा। तो जे रही यहाँ पे पूरी जानकारी एसएससी जीडी भर्ती 2024 के बारे में कि उम्र कितनी चाहिए,
चाहिए, लंबाई कितनी चाहिए, पढ़ाई कितनी चाहिए और दौड़ कितनी चाहिए। तो मैंने आपको एक एक करके पूरी जो जानकारी है वो यहाँ पे दे दी है। और आप सबको यही कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो नीचे जो रेड वाला बटन है उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे हमेशा 100% जो रियल न्यूज है, बिल्कुल जो सही न्यूज है वो यहाँ पे दी जाती है, नई से नई भर्तियों के बारे में। अगर आप भी यहाँ पे भर्ती होना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलेंगे जल्द किसी नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।